एक बार विधायक बन जाइए, जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। अगर आप सांसद बन गए तो दो दो पेंशन का लाभ। लेकिन बात कर्मचारियों के पेंशन की हो तो सरकार के जेब पर भारी पड़ने लगती है। रिपोर्ट देखें। एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून और एक देश एक पेंशन नीति भी होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए पेंशन नीति कुछ, विधायकों और सांसदों के लिए कुछ। दरअसल चक्रधरपुर से जेएमएम के पूर्व विधायक बहादुर उराव एक देश एक पेंशन नीति के तरफदार हैं। वो कहते हैं कि 2004 के बाद आने वाली वैकेंसी में पेंशन को खत्म कर देने का फैसला सही नहीं है। अगर पेंशन खत्म करना है तो विधायकों और सांसदों का भी खत्म होना चाहिए। एक देश एक पेंशन नीति को लेकर बहादुर उराव जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठने का इरादा रखते हैं। आदमी दिन भर काम करेगा और महीना में 6,000 उठाएगा और हम 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए उठाएंगे तो बिल्कुल गलत है। कम होना चाहिए एक, और दूसरी बात पेंशन मिलना तो सबको मिलना चाहिए। 2004 में जितने नए अभी आए हैं, पुराने आए हैं, वो 2004 के बाद पेंशन नहीं पाएगा। जब दो पेंशन नहीं पाएगा तो फिर हम MLMP और मंत्री और वो सब प्रधानमंत्री सब क्यों लेंगे भाई? सबको बंद होना चाहिए और नहीं तो सबको दीजिए। बहादुर राव खुद अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार विधायक बने और उन्हें 5 साल विधायक रहने के लिए 70,000 रुपए महीने पेंशन और यात्रा भत्ता आदि अलग से मिलता है। क्या ये बेइंसाफी नहीं है? अगर पेंशन मिले तो सबको मिले, फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी मिले, सिर्फ कर्मचारियों को देने से फिजूल खर्ची होती है। पेंशन तो समझो 70,000, पेंशन तो बहुत ज्यादा है। हमको नहीं चाहता, सबको बंद हो कहने को मतलब उन लोगों को आरोप लगाने वाला बोलता आप क्यों लेते, बोला सबको बंद होना चाहिए ना। अब नहीं, सबको बंद हो, सबको बंद हो। एक बार के विधायक रहे माले के राजकुमार यादव जी बहादुर राव की राय से इत्तेफाक रखते हैं और एक बात जोड़ते हैं कि ये कैसा कानून है कि अगर एक बार विधायक रहे और एक बार सांसद भी रहे तो आप एक साथ दो दो पेंशन के हकदार हो गए। बहादुर जी शुरू से एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अभी जिस तरह से देश के अंदर में गरीबी और बेरोजगारी है या भुखमरी है, एक तरफ तो लोग रोजगार से वंचित हैं और दूसरी तरफ है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही पेंशन बंद करने की नीति लाई गई थी, तो ये तो पूरे देश के अंदर में ये सवाल उठना जायज है। और हम समझते हैं कि सरकार को यदि सरकारी सेवकों का पेंशन बंद करती है तो विधायक संसद से लेकर के मंत्री तक, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक बार जितने के बाद एक पेंशन तो लेने के लिए बात तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जो देश के अंदर में एक बार कोई सांसद और माने विधायक बन गया दो दो पेंशन लेना, ये तो और खराब बात है। सरकार को इस पर भी एक निर्णय लेने की जरूरत है। पेंशन खत्म किए जाने की नीति के खिलाफ पहले से ही मजदूर संगठन बैंक यूनियन के लोग आंदोलनरत हैं। ऐसे में चक्रधरपुर के पूर्व विधायक बहादुर उराव अगर संसद के सामने धरने पर बैठते हैं तो विसंगतियों से भरी पेंशन नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले को एक नई ताकत मिलेगी। ये बात तो पूर्व विधायक बहादुर उराव भी बखूबी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहादुर उराव की बात में तो दम है। अगर पेंशन मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, सिर्फ विधायक को ही क्यों, सिर्फ एक बार के सांसद को ही क्यों, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी चुनाव जीतने वालों को तब पेंशन मिलनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।